हेलो दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज बी में कैसे हैं आप सब दोस्तों भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र सात नगरियों में से एक पूरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है यहां पर प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दूज में नौ रथ यात्रा प्रारंभ होती है जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्तगण आते हैं आज हम इसी के बारे में 25 रोमांचक अनसुलझे रहस्य लेके आए हैं कब बना था ये मंदिर इस मंदिर को सतयुग के राजा चंद्रदुम ने बनवाया था समय समय पर इस मंदिर का धार होता रहता है यानी कि जो बिगड़ाव होता है उसे सुलझाया जाता है जैसे कि ये मंदिर हमेशा अच्छा बना रहे इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व से मिलता है वर्तमान में जो मंदिर है वह सातवीं शताब्दी में बनाया गया है हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व दो में ही हुआ था यहां स्थित मंदिर तीन बार टूट चुका है ग्यारह ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीरोद्धार कराया था मुख्य मंदिर के आसपास लगभग तीस छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं दूसरा नीलमाधव ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बने से ज्येष्ठ पूर्णिमा से आजाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैत्यापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियाँ करते हैं तीसरा है श्री हरि विष्णु पूजे गए श्रीराम के रूप में यहाँ पर पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान का रूप माना जाता है रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रामण के भाई विभीषण को अपने इच्छाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा था आज भी पूरी के श्री मंदिर में विभीषण वम्पना की परंपरा कायम है श्री कृष्ण बने जग के नाथ यानी कि जगन्नाथ बाद में माधव को श्री हरि विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाने लगी इसके पीछे की एक कथा भी है मैं कथा किसी और दिन सुनाऊंगी चलिए अगला रहस्य जानते हैं सभी दिशाओं से रक्षा होती है इस क्षेत्र की स्कंद पुराण के अनुसार पूरी एक दक्षिणावर्ती संघ की तरह है और यहाँ पाँच कोस यानी कि सोलह किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है माना जाता है कि इसका लगभग दो कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है इसका उदार है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदयी का पवित्र जल धोता रहता है सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा ब्रह्म रूप कमाल मोचन विराजमान है माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म पूजा के रूप में पूजा जाता है शंख के तीसरे वृत्त में माँ बिमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ का रथ सिंहासन पर विराजमान है समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं मंदिर में अधूरी मूर्तियां हैं ऐसा क्यों है आइए जानते हैं यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं वह भी लकड़ी की हर वर्ष मूर्तियां बदल दी जाती हैं मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनने के पीछे भी एक लंबी कहानी है जो राजा इंद्रदुमन और उनकी पत्नी गुडीचा से जुड़ी हुई है ये कहानी भी मैं किसी और दिन डालूँगी बहुत ही अच्छी कहानी है हवा के विपरीत लहराता ध्वज श्री जगन्नाथ जी के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा में विपरीत दिशा में लहराता है ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा सके हैं लेकिन यह निश्चित है कि आश्चर्यजनक बात है प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है ध्वजा भी इतना भव्य है कि यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं ध्वजा पर शिव का चंद्र भी बना हुआ है अगला है और आठवां गुम्बद की छाया बनी बनती है मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्बद देख पाना असंभव है मुख्य गुम्बद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है भारत का सबसे भव्य मंदिर यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है यह मंदिर चार लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला हुआ है इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है चमत्कारिक सुदर्शन चक्रपुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो यह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा इसे नील चक्र भी कहते हैं यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है हवा की दिशा सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत लेकिन पूरी में इसका उल्टा होता है अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन जमीन की ओर आती है लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है गुम्मत के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी मंदिर के ऊपर गुम्मत जो विराजमान है वहाँ उसके आसपास कभी भी कोई पक्षी मड़राता हुआ या उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता है मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नज़र नहीं आते हैं जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकांश मंदिरों के गुम्बदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं हालांकि यह भी कहा जाता है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटेगी समझना अशुभ समय प्रारंभ हो गया है अगला है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर पाँच सौ रसोइयाँ तीन सौ सहयोगी के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है कहा जाता है कि मंदिर के प्रतिदिन प्रसाद बीस हजार लोगों के लिए ही बनाया जाता है लेकिन त्यौहार दिन पचास हज़ार लोगों के लिए बनाया जाता है लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं, तो वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं कभी भी यहाँ पर प्रसाद कम नहीं पड़ता है नंबर चौदह अजीब तरीके से ही पकता है चावल मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए सात बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है और यह बहुत बड़ा चमत्कार है क्योंकि जो बर्तन सबसे नीचे होता है पहले उसका भोजन पकना चाहिए नंबर पंद्रह समुद्र की ध्वनि मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप उसे सुन सकते हैं इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है है ना चमत्कार बाहर की दुर्गंध भी नहीं आती है भीतर इस तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सौ जलाए जाते हैं लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी आप मंदिर के अंदर कभी भी उसकी गंध महसूस नहीं कर पाएंगे नंबर सत्रह रूप बदलती मूर्ति यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं अगरनाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान है तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई हैं यहां प्रत्येक बारह साल में एक बार होता है प्रतिमा का नौ कलवेर मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं लेकिन आकार और रूप वही रहता है कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं मूर्तियाँ विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा आषाढ़ मास में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़िया के घर जाते हैं यह रथ पाँच किलोमीटर में फैला पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होता है रानी गुडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रदुम्न की पत्नी थी इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है अपनी मौसी के घर भगवान आठ दिन रहते हैं शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीय घोष है देवी सुभद्रा का रथ दर्पल दन है और भाई बलभद्र का रथ ध्वज है पुरी के गजपति महा राज सोने की झाड़ू बुहारते हैं जिसे छेरा कहते हैं हनुमान जी कहते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा माना जाता है कि तीन बार समुद्र में जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया गया था कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यह समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था परंतु जब जब हनुमान जी जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते हैं ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता है केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ग बेड़ी में आबद्ध कर दिया है जहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान जी का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं हनुमान जी ने समुद्र की आवाज़ को भीतर जाने से रोक दिया एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहाँ से टूट दूर हटने को कहा इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज़ तो अपने आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है आप उनसे विनती करें तब हनुमान जी पवन देव से इस आवाज़ को रोकने को कहते हैं तब पवन देवता कहते हैं कि पुत्र यह संभव नहीं है परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु या विवर्तन बनाया ना होगा इस बात को हनुमान जी समझ गए तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को दो भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना मंदिर के आसपास ही घूमती रहती और मंदिर में ही जगन्नाथ आराम से सोते हैं पांडवों ने किए थे यहाँ का दर्शन कि एक किदती के अनुसार कहते हैं कि आज्ञातवास के दौरान द्रौपदी पांचों पांडवों भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए थे प्रभु जगन्नाथ के मंदिर में अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो पांच पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं आज भी श्री मंदिर में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता है ऐसे में श्री मंदिर में एक किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नरेंद्र सरोवर तक यात्रा निकलती है बाईस स्वर्णदान महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्णदान दिया था जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था नंबर तेईस ईसा मसीह भी यहाँ आए थे प्रभु के दर्शन करने कुछ किताबों में और जनश्रुतियों से यह पता चलता है कि ईसा मसीह शिफ्ट रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे तब पुनः बेथलेहम आते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे आदि शंकराचार्य जी ने भी यहाँ की यात्रा की थी और वहाँ पर उन्होंने चार मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की नंबर चौबीस गैर हिंदू का प्रवेश निवेश इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है माना जाता है कि ऐसे प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्तीय क्षेत्र में घुसपैठी हमलों के कारण लगाए गए हैं पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहते हैं जानते हैं पच्चीसवां और आखिरी रहस्य मंदिर के रहस्य कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों रहस्य हैं यहाँ कई रहस्यमय किताबें ग्रंथों के साथ ही खजाने में रखे हुए होने की बात कही जाती है एक ऐसा भी कहा जाता है जबकि सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है तो आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी का ये 25 रहस्य कैसा लगा ज़रूर बताइएगा अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसी नई जानकारियों के लिए धन्यवाद